और सब उनके पीछे खड़े हैं, इसी कारण पूरी दुनिया खुशहाल है, हम ही खुशहाल हैं। बात करें दिल्ली में जिस तरह से डिप्टी सीएम के पर छापे एसबीआई छापे कर रही है, तो उन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी करा रही है और बीजेपी हमको अपने यहाँ बुला रही है। कानून अपना काम कर रहा है, बीजेपी मजबूत है सक्षम। उत्तर प्रदेश में अभी तक अध्यक्ष नहीं बन पाया, अभी तक बीजेपी नहीं अध्यक्ष नहीं हो पाया आपके जाने के बाद, तो अध्यक्ष तो ही है अभी कोई नहीं है? क्यों नहीं है, तो अध्यक्ष तुम्हारे संग अध्यक्ष तो ही है। हाँ आदरणीय मोदी जी का सपना, प्रधानमंत्री बनने के बाद 80 घाट की सफाई से लेकर जिस प्रकार स्वच्छता अभियान चला, आज राज्य के अंदर देश के अंदर लोग स्वप्रेरणा से स्वच्छता अभियान चलाते हैं और घर के बच्चे भी परिवार को टोकते हैं कि गंदगी मत करिए पापा। यदि ये प्रेरणा कहीं से मिली है तो आदरणीय मोदी जी से मिली है। लोगों को इसके पहले भी प्रेरणा मिलती थी, लेकिन जो अभियान के रूप में और स्वच्छता का महत्व क्या है, स्वच्छ यदि जिस घर का स्वच्छता है, जिस घर में स्वच्छता है, आपको ध्यान होगा पहले बूढ़ी माँ गाँव में गाय के गोबर से पोताई करती थी, लिपाई करती थी, और भोजन भी जहाँ बनता था इतना स्वच्छ रहता था, शुद्ध रहता था कि कोई बीमारी भी नहीं होती थी, कोई गंदगी नहीं पहुँच पाता था, इतने स्वच्छता से लोग भोजन करते थे, लोग खुशहाल रहते थे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कई राज्यों में और उत्तर प्रदेश भी अब स्वच्छता में नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन ले रहा है, हमारे नगर निगम नगर पालिका है और आगे चल रहे। और स्वच्छता अभियान से जो अभियान है ये साधारण है, जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, योग, जल संचय, यही जीवन को बचाएगा, यही मनुष्य को बचा सकता है। तो आदरणीय मोदी जी के हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।